आप लोगों की बातचीत से सर हाँ दो तीन चीज निकल के आई फेक न्यूज के बारे में, क्योंकि आप एकेडमिक्स में लंबे समय तक, अभी टेक्नोलॉजी की बात उमेश जी ने की, आज के समय में हर कोई जो टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, या आप अपनी वेबसाइट आराम से बना सकते हैं और खबरें प्रकाशित कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि जो पत्रकार हैं उनकी भी कोई डिफिनेशन होने चाहिए, उनको भी कोई कुछ होना चाहिए, कौन हो सकता है, कोई बिल्डर है वो अपना यूट्यूब चैनल चला सकता है, कुछ भी बोलता रहे, या कोई कोई एक, एक, एक ये सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ एक पेशा है, इसके लिए भी क्या आपको लगता है कि कोई जैसे डॉक्टर है, वकील है, उनके लिए एक डिग्री के साथ साथ एक नियमावली है कि आप इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद बार एसोसिएशन के मेंबर होंगे तभी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो क्या पत्रकारों के लिए भी ऐसा कुछ होना चाहिए? पहले तो मैं फेक न्यूज के बारे में जी बात कह रहा हूं। फेक न्यूज शब्दावली हमारे पास पश्चिम से आई। मुझे लगता है कि सोचना चाहिए कि न्यूज फेक हो सकती है क्या? अगर वो फेक है तो न्यूज नहीं हो सकती है, क्योंकि न्यूज का एसेंशियल एलिमेंट है तथ्यता, उसमें सत्यता होनी चाहिए। अगर कोई सत्यता फेक कैसे कहीं ना कहीं ये बात हमें, अगर हमको कुछ करना है तो कुछ शब्दावली और बनानी चाहिए। हमें मिस इन्फॉर्मेशन एक शब्दावली है, इसको कहीं ना कहीं ये सोचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात है कि सत्य और असत्य ये अभिव्यक्ति के जो है वो अनिवार्य अंग है। अभिव्यक्ति में सत्य भी है और असत्य भी है। आपको प्राचीन काल से ले लीजिए, असत्य भी चला है और सत्य भी चला है, धर्म भी चला है, अधर्म भी चला है। तो कहीं ना कहीं फेक न्यूज पे इतनी चिंता करने की बात नहीं है। समाज में झूठ बोलने का भी रिवाज है और सत्य बोलने का भी आग्रह है। कहीं ना कहीं ये इनको आपस में जोड़कर देखने की आवश्यकता है। पश्चिम जो शब्दावली हमें देता है उसको लेकर और अपने नैरेटिव को बिल्ड करना कहीं ना कहीं हमें सावधानी करने की आवश्यकता है। अब आपने प्रश्न पूछा कि मीडिया में जो काम करने वाले लोग हैं क्या उनको लाइसेंसिंग या उनको किसी तरह का एक प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है? बहुत बड़ा आंसर नहीं है, केवल मात्र आंसर है नहीं, क्योंकि ये जो सारा मीडिया है ये व्यक्तियों के आपस के संवाद का विस्तार है। मैं आपसे सुबह मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ और हितेश जी कैसे हैं, मैं ये बात दो लोगों के बीच में होती है। मीडिया इस बात को हजारों लोगों के बीच में कर देता है कि हमारे आसपास में क्या है, क्या हो रहा है, क्या होने की संभावना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये जो मनुष्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति की एक अनिवार्यता है उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाना कठिन है। हाँ, उसको जब आप संस्थागत बनाते हैं, उस अभिव्यक्ति को आप एक समाचार पत्र बनाते हैं, एक चैनल बनाते हैं, एक ब्लॉग बनाते हैं, तो वो वहां पर उन संस्थाओं को चलाने के लिए समाज में, हर समाज में, हर देश में, हर राज्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधिनियम बने हुए हैं। उन अधिनियमों को फिर से एक बार देखने की आवश्यकता है। जिस नागरिक पत्रकारिता की पुस्तक का आज विमोचन हुआ, उस नागरिक पत्रकारिता में जो टेक्नोलॉजी लगी है, जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम लगे हैं, वो हमारे पुराने अधिनियमों को का उल्लंघन करते हुए दिखते हैं। कहीं ना कहीं इन सब को फिर से एक बार देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स एक्ट को किस प्रकार से परिवर्तित करें, जिससे वो ब्लॉग पर भी, फेसबुक पर भी और वेबसाइट पर भी लागू हो सके, इसको फिर से देखने की आवश्यकता है। और साथ ही ये भी बात है कि ये जो मीडिया की टेक्नोलॉजी है ये दिन प्रतिदिन बदलती है, इसलिए जो भी हम अधिनियम बनाएंगे, जो भी नियम बनाएंगे, उनमें डायनामिज्म होना बहुत जरूरी है और भविष्य की ट्रेंड्स को देखते हुए भी उन नियमों को बनाने की आवश्यकता है। परंतु जहां तक व्यक्तिगत सवाल है कि जर्नलिस्ट को लाइसेंस लेना चाहिए, मीडिया पर्सन को लाइसेंस लेना चाहिए, एडवर्टाइजर को लाइसेंस लेना चाहिए, मुझे लगता है वो एक अस्वाभाविक बात होगी और बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है।